नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 14,264 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। शनिवार के मुकाबले आज रिपोर्ट किए गए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,06,00,000 से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,264 नए संक्रमित मिले हैं। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,09,91,651 हो गई है। वहीं इस दौरान 90 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,56,302 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,06,89,715 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मरीजों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 1,45,634 है। ये वो मरीज हैं जिनका इलाज अभी अस्पताल में जारी है। वहीं अब तक 1,10,85,173 स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। ICMR के मुताबिक भारत में 20 फरवरी तक कोरोना वायरस के लिए कुल 21,09,31,530 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 6,70,050 सैंपल की टेस्टिंग शनिवार को की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। राज्य में शनिवार को 6,281 नए मामले सामने आए और 40 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में अब तक 20,93,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 51,753 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरावती जिले में सबसे ज्यादा मामले मिल रहे हैं, जिसे देखते हुए वहां लॉकडाउन को सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं केरल में शनिवार को कोविड-19 के 4,650 नए मामले दर्ज किए गए हैं। संक्रमण से केरल में 13 और लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 10,30,000 से ज्यादा हो गई है। गुजरात में कोविड-19 के 258 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर शनिवार को 2,66,821 हो गई है। गुजरात के स्वास्थ्य अधिकारी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शनिवार को संक्रमण की वजह से राज्य में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। आपको बता दें, गुजरात में मृतकों की संख्या 4,404 है। राज्य में अब 1,672 मरीजों का उपचार चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के अंदर 263 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,10,732 हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।